जाने क्यों लोग गाना गाते हैं, एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं। जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। सो और क्या चल रहा है भाई लोग, कैसे चल रहा हो? तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। ओके सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं श्री श्री 1058 बार एक ही वर्ड को रिपीट करके गाना बना देने वाले ऐसे माननीय श्री टोनी कक्कर जी के बारे में, जिनके दिमाग में क्रिएटिविटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भूसा भरा है। सुजुकी वाले भी इनके पास आए थे, कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा भूसा दे दो, हमें नई हायाभूसा बनानी है। और तमाम गानों को बर्बाद करने के बाद आखिरकार इन्होंने मेरे चैनल से बूटी वर्ड चुरा लिया, और अब चुरा ही लिया है तो चलो बूटी 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 मिलके बनाते हैं बूटी। कहते मेरी बाह मरोड़ो ना, मुझे अब पकड़ा है छोड़ो ना। ना ना, ये तो गाना ही गलत है, ये गाना माना ही नहीं जाएगा। लाइंस कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कहती अब फालतू गाने बोलो ना, पकड़ी है एक ही बीट उसे छोड़ो ना, बाहर भी कुछ राइटर हैं उनसे भी थोड़ा ले लो ना। मैंने बोला प्यार तो करूंगा मैं, पर उससे पहले गुजारिश है। और अब आगे वाली लाइंस आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकती है। 2000 years later. मतलब भाई जी, हट यार, मुझे समझ नहीं आता टोनी भाई साहब गाना लिखते हैं कि डायरेक्ट स्टूडियो में घुस के अपने चाय वाले से बोलते हैं ए बीट चलाओ। कौन सी वाली बजाएं सर? अरे वही पुरानी वाली यार, नहीं से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और ये क्या खा रहे हो तुम? सर वो हमारा पेट खराब हो गया तो वो वैद्य साहब ने हमें बूटी दी है, वही खा रहे। बूटी और वो गोटिया किधर गया? सर वो जरा सुसु करने पीछे गया है। पीछे तू बोले पीछे 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 तेरी गाड़ी के पीछे पीछे, हाँ जी पीछे वाली सीट पे। बस बन गया गाना, 4 मिनट के गाने में 400 बार बूटी 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 और 350 बार पीछे 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 पीछे, और बाकी के बचे 16 सेकंड उसमें ये सब हो गया खत्म। अरे दादा, अरे अरे आराम से मोहतरमा, इतनी तेज कौन डांस करता है भाई? मोहतरमा तो ऐसे डांस करनी है जैसे बहुत अच्छा गाना हो। अरे ये तो दूसरा गाना है। हाँ दूसरा गाना है, लेकिन आपके गाने से बहुत अच्छा है। और यही नहीं, आपसे अच्छा गाना तो MDH मसाले वाले बना लेते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि ये गाना सुनने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है। रिएक्शन है कि साइड इफेक्ट है, आओ देखते हैं। इतनी बूटी तो हमारे हिमाचल के पहाड़ों में भी नहीं होती भाई, जितने आपके लिरिक्स में है। ना ना भाई साहब, आपने गलत लिखा है, इनके लिरिक्स में बूटी नहीं है, इनके बूटी में लिरिक्स है, और वो भी ना के बराबर। जब भी टोनी भाई का गाना आता है ना, तो लिरिक्स इनके पास खुद आता है और बोलता है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरा तो कुछ यहाँ पे काम होगा ही नहीं। भाई साहब ये लोग गाने के नाम पे हमें कुछ भी सुना रहे हैं। अम्मा ए अम्मा, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब मैं भी सिंगर बन सकता हूँ, 417 इज बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग। ये कमेंट देख के टोनी भाई भी सोच रहे होंगे कि यार मैंने गाना तो 4 मिनट 16 सेकंड का बनाया, इसको 4:17 पे क्या दिख गया? हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए हम, कौन फिरकी ले रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे पता है क्या लगा, जब टोनी भाई बोलते हैं अरे ये तो दूसरा गाना है, ये तो दूसरा गाना है। मैं बोलता हूँ तुम सारे गाने एक जैसे बनाते क्यों, जब तुमको खुद बताना पड़ता है कि यार ये तो दूसरा गाना है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। मैंने टोटल 10 गाने बना दिए, और फिर पब्लिक बोलती है सारे लगते तो एक ही जैसे हैं, क्या दूसरा तीसरा। गजब बेइज्जती है। खैर अब कर भी कह सकते हैं यार, टोनी भैया टिकटॉक से इंस्पायर हैं, और जहां टिकटॉक का नाम आ जाता है वहां टट्टी तो अपने आप ही हो जाती है। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। और आशा करता हूं कि टोनी भाई साहब आपको जल्दी कोई एक नया वर्ड मिले और आप उसको लेके पूरा एक बड़ा सा गाना बना डालो। और आप लोगों से कहना चाहता हूं आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, ऐसे तो नहीं जान दूंगा। और हां, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मन कर तो फॉलो कर लें। चलो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।